छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर छात्रों ने किया बवाल। हल्द्वानी, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी महाविद्यालयों में चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया है। बीते दो दिनों से राजकीय मोतीराम बाबूराम प्रश्नोत्तरी महाविद्यालय हल्द्वानी में छात्रों का हंगामा जारी है। इस दौरान कई छात्रों ने तो आत्मदाह तक करने की धमकी दे डाली। आज शनिवार को MBPG कॉलेज में बीती रात से छात्र धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सुबह हुए हंगामे के बाद पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद कुछ छात्रों को पुलिस ने कॉलेज में ही नजरबंद कर दिया। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनाव रद्द करने में भाजपा सरकार की साजिश है, क्योंकि छात्र नेता अपनी राजनीति छात्र संघ चुनाव से ही शुरू करता है। कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत छात्र संघ चुनाव रद्द करवाए गए हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वहीं पुलिस ने कहा कि कॉलेज प्रशासन और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। जो हमने इतने सालों से तैयारी की, हमने इतनी मेहनत की, अगर कोर्ट ने अगर एक फैसला दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में एक मौका दे रखा है, जो छात्र नेताओं ने छात्र हितों पे जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, आगे भी अगर छात्र हित बनाना है तो एक फैसला हमारे सहयोग में देना चाहिए। आज अगर CM साहब भी एक प्रबल दावेदार हैं राजनीति के, तो वो भी अपने जमाने में एक छात्र संघ नेता रह चुके हैं, तो ये छात्र संघ राजनीति को बरकरार रखने के लिए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या ना हो इसके लिए पूरे प्रदेश भर में हमें ये बंद, यहाँ पुलिस प्रशासन ने जबरन हमारे, क्योंकि यहाँ सुचारू रूप से कॉलेज चल भी रहा है, कुछ छात्र यहाँ आए भी हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, हमने बस एक शांतिपूर्वक धरने की मांग की थी कि जिससे ना कोई यहाँ पे किसी अराजकता फैले, लेकिन फिर भी कल हमें झूठे आश्वासन CO साहब द्वारा दे दिए गए। हमसे ये कह दिया गया कि कल प्रचार साहब आपसे मिलेंगे, आप वहाँ वार्ता करेंगे और आपकी समस्याओं का निवारण होगा, और कल एक आश्वासन और दिया गया कि कल ही कल ये डेट आएगी। और आज हम ये चाहते हैं हमारे जो बाहर कॉलेज के छात्र खड़े हैं वो हमारे लिए यहाँ धरने में आए हैं, शांतिपूर्वक एक धरना हो जाए, बस हम इतना चाहते हैं। आज छात्रों में आक्रोश इस बात को लेकर है, देखिए बरसों से हम संघर्ष करते हुए हैं महाविद्यालय में, जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों से छात्र आता है, 15,000 छात्रों की संख्या है, हर एक छात्रों की हम हर एक समस्या का समाधान करते हुए आते हैं, छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते का समाधान करते हुए आते हैं, उनको समस्याओं का हल करते हैं, और साथ में जो दूर दराज पहाड़ों से क्षेत्रों से बच्चा आता है उनकी भी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। साल के 365 दिन हम छात्रों के लिए काम करते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं सपना होता है कि इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करें, जो छात्रों की आवाज़ बन के छात्र नेता चुनता है, छात्र अपना नेता को चुनता है, हर साल छात्र चुनाव होते हैं, पर लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव को बंद कराने की बात की जा रही है। ये सरकार, धन सिंह रावत और इस कॉलेज का प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन सब मिलकर ये दबाव बनाए जा रहा है कि नई युवा प्रदेश की राजनीति में ना नए युवा आ सके, नई क्रांति हो सके, और नई पौध और नए विचारों को रोका जा रहा है, उनको उखाड़ने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसका विरोध खुल के करते हैं, पिछले हम एक साल से धूप पसीने ठंडे में बरसात में हर दिन मेहनत करके हम संघर्ष करते हैं, छात्रों के बीच में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और अचानक से ये लोगों ने हमें बिल्कुल चुनाव ना कराकर चुनाव को ना कराने को लेकर कह रहे हैं। आज कॉलेज बंद था, यहाँ पर जो छात्र लोग आए हुए हैं, क्या है, आपने धरने पे बैठे थे क्या? आज हम शांतिपूर्वक जैसे कल रात को हम धरने पे बैठे थे, पर लेकिन दबाव बनाकर पुलिस ने हमें लाठियाँ चार्ज करी, हमें मारा और हमें गालियाँ दी और हमें जबरन उठा दिया गया, और कहा कल 11 बजे शहर के CEO की बात की भी, शहर की कोई वैल्यू नहीं है, हमें 11 बजे की टाइमिंग दी कि कहा तुम्हारी वार्ता प्रिंसिपल कॉलेज के प्राचार्य से होगी और मैं वहाँ पे रहूँगा, ना यहाँ पे CEO उपस्थित है और ना प्राचार्य उपस्थित है, और हम पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें पहले तो यहाँ से निकाला जाए, दूसरा हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपना प्रदर्शन कॉलेज के अंदर किया जाना चाहिए, हम ये मांग है हमारी, और CEO को भी यहाँ आना होगा। अगर इस कॉलेज के प्राचार्य के पास इतना कायरता दिखा रहे हैं कि हमें मार खिलवा रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं, हमें बंद करवा रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं।